पवित्रीकरण और संकल्प। पूजन करने से पहले आसन में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और 3 बार आचमन करें। आचमन करने का अर्थ है जल पीना, अर्थात आप दाहिने हाथ पर जल लेकर के क्रमशः मंत्र पढ़ते हुए 3 बार जल पिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, फिर गोविंदाय नमः, ऐसा कह करके हाथ धुल लें। तत्पश्चात दोनों हाथों की अनामिका उंगली पर कुसा की बनी हुई पवित्री धारण करें। अगर पवित्री ना हो तो स्वर्ण मुद्रिका धारण करें, अर्थात सोने की अंगूठी पहने। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वाह प्रासावा उत्पूना मच्छिदरेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याते पवितरा पाते पवितरपूतस्य जत्कामः पुने तच्छकेयम्। तत्पश्चात अपने ऊपर वा पूजन सामग्री के ऊपर जल छिणकें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। इसके पश्चात शिखा बंधन करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठ देवि शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे। इसके पश्चात जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन की शुद्धि के लिए विनियोग करें। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। आसन के चारों तरफ एक एक आचमनी जल छोड़ें और मंत्र पढ़ें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवित्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अब मस्तक पर तिलक लगाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रावाः स्वस्ति नः पूषा विषववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसके पश्चात हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर स्वस्तिवाचन का पाठ करें और स्वस्तिवाचन के पाठ के पश्चात गणेश स्तुति का पाठ करें। गणेश स्तुति और स्वस्तिवाचन के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्वस्तिवाचन गणेश स्तुति हो जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल अक्षत और यथाशक्ति दक्षिणा लेकर
संकल्प करें। ध्यान रखें, संकल्प में कई जगह पर अमुक शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे अमुक देशे, अमुक प्रांते, अमुक जनपदे, अमुक संवत्सरे इत्यादि। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पर अमुक शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे अमुक देशे, तो आपको अमुक शब्द की जगह अपना देश बोलना है। जैसे अमुक देशे अर्थात भारत देशे, अमुक प्रांते उत्तर प्रदेश प्रांते, या जो आपका प्रांत हो, इस प्रकार से क्रमशः बोलना है। तो संकल्प आरंभ करते हैं। ओम विष्णुर् विष्णुर् विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे बौद्धावतारे आर्यावर्तैक देशांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे भारतदेशे अमुक प्रांते अमुक जनपदे अमुक ग्रामे अमुक संवत्सरे श्री सूर्य अमुक अयने अमुक ऋतौ महामांगल्यप्रद मासोत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक कर्णे यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु नवग्रहेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रः अमुक नामोहम् मम दैहिक दैविक भवतिक त्रयताप निवारणार्थम् ग्रहकृत राजकृत सर्वविधि पीडा निवृत्ति पूर्वकम् नैरुज्य दीर्घायु धन धान्य समृद्धरथम् आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धरथम् मम कायिक वाचिक मानसिक पापशमनार्थम् अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तरथम् प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम् श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अमुक देवस्य पूजनम् संकल्पम् अहम् करिष्ये। जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्याताथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। संकल्प हो जाने के पश्चात हाथ का जल, अक्षत और दक्षिणा अपने सामने या भगवान की प्रतिमा के सामने छोड़ दें। इसके पश्चात एक पुष्प पर चंदन और चावल लगा करके जमीन पर पृथ्वी पूजन के अर्थ से छोड़ें।
और मंत्र पढ़ें। आधार भूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत दाप्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्ये। ॐ आधारशक्त्यै पृथिव्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अब पुनः दीपक पूजन के लिए एक पुष्प पर चंदन और अक्षत लगाकर दीपक के पास छोड़ें और मंत्र पढ़ें। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति ही स्यात् तावत्त्वं सुस्थिरो भव। दीपस्थ देवतायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब सूर्यार्घ दें और यह मंत्र पढ़ें। ओम यहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरः। अर्घ देने के पश्चात हाथ जोड़कर भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करें। धेयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृत शङ्खचक्रः। ॐ घृणिसूर्य नारायणाय नमः। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करने के पश्चात घंटा पूजन करें। आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु राक्षसां कुरु घंटे वरम नादम देवतास्थान सन्निधौ। ओम घंटास्थिताय गरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत समर्पयामि। एक पुष्प पर अक्षत और चंदन लगाकर घंटा के पास छोड़ दें। तत्पश्चात शंख का पूजन करें। एक पुष्प पर चंदन और अक्षत लगाकर शंख के पास छोड़ें और मंत्र पढ़ें। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधितः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्या नमोस्तुते। ओम शंखाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत समर्पयामि। अब शंख को सुगंधित जल से भर दें। इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात भगवान गणेश जी व माँ गौरी जी का पूजन करना चाहिए, जो मैं आपको अगले कभी वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा।